10 अगस्त को बिहार में नई सरकार लेगी शपथ। दोपहर 2 बजे शपथ ग्रहण समारोह। सीएम के अलावा 34 विधायक बनेंगे मंत्री। आरजेडी का बयान, कहा नीतीश कुमार सीएम पद के लेंगे शपथ। तेजस्वी यादव बनेंगे डिप्टी सीएम। सरकार बनाने का फॉर्मूला आया सामने। आरजेडी के कोटे से 16, जेडीयू के कोटे से 13 मंत्री होंगे। कांग्रेस के 4 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के कोटे से 1 मंत्री बनेगा। नीतीश कुमार ने 164 विधायकों के समर्थन का किया दावा। राज्यपाल को समर्थन की चिट्ठी भी सौंपी। सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद नीतीश चुने गए महागठबंधन के नेता। राबड़ी देवी के आवास पर हुई बैठक। नेता चुने जाने के बाद नीतीश ने महागठबंधन के विधायकों से कहा, आइए नई शुरुआत करते हैं। नीतीश ने विधायकों से कहा, जो हुआ सो हुआ, उसे भूलकर आगे बढ़ना है। बिहार के लिए मिलकर काम करना है। नीतीश ने तेजस्वी यादव और महागठबंधन के विधायकों के साथ मुलाकात के दौरान 2017 में गठबंधन तोड़ने के लिए अफसोस जताया। शपथ ग्रहण के बाद नीतीश जा सकते हैं दिल्ली। सोनिया और राहुल से कर सकते हैं मुलाकात, सूत्रों के हवाले से खबर। बीजेपी से गठबंधन तोड़ने के बाद राज्यपाल से मिले नीतीश कुमार, सीएम पद से दिया इस्तीफा। नीतीश कुमार ने कहा, विधायकों और सांसदों की सहमति के बाद गठबंधन तोड़ने का लिया गया फैसला। इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार ने कहा, हमने एनडीए छोड़ दिया है। सब लोगों की इच्छा थी कि बीजेपी से अलग हो जाना चाहिए। जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की इच्छा थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बीजेपी पर निशाना साधते हुए बोले नीतीश, कहा बीजेपी के साथ एक नहीं कई दिक्कतें थी। जेडीयू के साथ गठबंधन टूटने से सख्ते में बीजेपी। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लगाया जनता को धोखा देने का आरोप। बीजेपी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा आज जो हुआ वो बिहार की जनता के साथ विश्वासघात है। माननीय नीतीश कुमार जी इस एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री बने, आज जो कुछ भी हुआ है वह बिहार की जनता के साथ और भाजपा के साथ धोखा। तेजस्वी यादव ने कहा, देश के सबसे योग्य और अनुभवी सीएम हैं नीतीश कुमार। बोले, हम फिर बिहार की बेहतरी के लिए करेंगे काम। नीतीश कुमार पर पहले के हमलों पर बोले तेजस्वी यादव, वो चाचा हैं, हर घर में भी होती रहती है नोकझोंक। तेजस्वी ने कहा, बीजेपी अपने सहयोगियों को खत्म करने में जुटी। देश के मौजूदा माहौल को देखने के बाद लिया साथ आने का फैसला। तेजस्वी ने कहा, महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ देश ने देखा। बिहार में बीजेपी का एजेंडा नहीं चलेगा। नीतीश कुमार पर बीजेपी का करारा पलटवार। रविशंकर प्रसाद ने पूछा, आप हमारे साथ क्यों और कैसे आए थे? रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम आप पर आरोप नहीं लगाएंगे, सिर्फ सवाल पूछेंगे। चारा घोटाले की लड़ाई के दौरान आपने छोड़ा था लालू प्रसाद यादव का साथ। बीजेपी ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा, लूट, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ होकर आपने किया था बीजेपी से गठबंधन। रविशंकर प्रसाद ने नीतीश कुमार से पूछा कि आज आरजेडी का भ्रष्टाचार खत्म हो गया? केंद्रीय मंत्री आरके सिंह का बड़ा बयान, फिर से जनता के बीच जाना चाहिए। बीजेपी अपने दम पर दे सकती है विकल्प। राजनीतिक उठापटक के बीच केंद्रीय मंत्री और आरएलजेपी नेता पशुपति पारस का बयान, कहा एनडीए गठबंधन के साथ बने रहेंगे। आरजेडी की बैठक में तेजस्वी यादव को दिया गया सभी फैसले लेने का अधिकार। सूत्रों के अनुसार आरजेडी के खाते में गृह मंत्रालय। एनडीए से अलग होने पर जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, हम लोग बीजेपी के चक्रव्यूह से बाहर आ गए। बिहार में सियासी उथल पुथल पर चिराग पासवान की नजर। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग। महाराष्ट्र में शिंदे सरकार में मंत्रिमंडल का हुआ विस्तार। मंत्रियों ने ली शपथ। बीजेपी और शिंदे को गुट को बराबर मिली जगह। मंत्रिमंडल में बीजेपी के 9 और शिंदे गुट के भी 9 विधायक हुए शामिल। शपथ ग्रहण समारोह में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस रहे मौजूद। राज्यपाल कोश्यारी ने दिलाई शपथ। नंदुरबार के विधायक विजय कुमार गावित को बीजेपी के खेमे से मिली मंत्रिमंडल में जगह। पहले भी रह चुके हैं महाराष्ट्र में मंत्री।
महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार के बाद मॉनसून सत्र की सामने आई तारीख, 10 अगस्त से 17 अगस्त के बीच मॉनसून सत्र के आसार। गालीबाग नेता श्रीकांत त्यागी गिरफ्तार, नोएडा पुलिस ने मेरठ से किया अरेस्ट, त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया। श्रीकांत त्यागी की तलाश में जुटी थी यूपी पुलिस की 12 टीमें, 3 राज्यों में लगातार दे रही थी दबिश। पत्नी और वकील के संपर्क में था श्रीकांत त्यागी, यहीं से मिली पुलिस को लीड। फरारी के दौरान दूसरे मोबाइल नंबर से पत्नी और वकील के संपर्क में था श्रीकांत त्यागी, वकील से ले रहा था कानूनी सलाह। श्रीकांत त्यागी से पूछताछ में बड़ा खुलासा, त्यागी ने कहा गाड़ी में लगा विधानसभा सचिवालय स्टिकर उसे स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था। आम आदमी पार्टी के समर्थकों के लिए अच्छी खबर, दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने वाली आपको गोवा में मिला राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा। एक और राज्य से दर्जा मिलने पर आम आदमी पार्टी को मिल जाएगा राष्ट्रीय दल का दर्जा, केजरीवाल ने दी जानकारी। भटिंडा में आम आदमी क्लिनिक पर सीएम भगवंत मान की फोटो लगाने से छिड़ा सियासी घमासान, उठाए सवाल। लेह में बीआरओ ने रन फॉर कंट्री रेस का आयोजन किया, आजादी के अमृत महोत्सव को दिया बढ़ावा। 76 साल बाद करतारपुर कॉरिडोर में चाचा और भतीजे की मुलाकात, बंटवारे के बाद भतीजा रह गया था पाकिस्तान। पानीपत को 10 अगस्त को पीएम मोदी एथेनॉल प्लांट का देंगे तोहफा, किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही पर्यावरण को होगा फायदा। आज राजस्थान के दौरे पर जा रहे राहुल गांधी, नए कैडेट की ट्रेनिंग को लेकर कार्यकर्ताओं से करेंगे बात। 10 अगस्त को उत्तरी गुजरात के दौरे पर होंगे केजरीवाल, पालनपुर के टाउन हॉल में एक सभा को करेंगे संबोधित। रक्षाबंधन से पहले महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं केजरीवाल, 10 दिन में केजरीवाल का तीसरा गुजरात दौरा। हैदराबाद लौटे बैडमिंटन में शानदार प्रदर्शन करने वाले पदकवीर, जबरदस्त स्वागत। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शिमला में हर घर तिरंगा अभियान के तहत नेहरू युवा केंद्र के छात्रों से की मुलाकात, कहा युवा भारत का वर्तमान भी है और भविष्य भी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ध्वजारोहण समारोह में हुए शामिल, कहा हमारा मकसद था घर से बाहर निकले तो हो तिरंगे का दर्शन। मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी ने की हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत, कार्यालय पर फहराया राष्ट्रीय ध्वज। कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को हरियाणा सरकार का तोहफा, चौथे स्थान पर रहने वाले खिलाड़ियों को 15 लाख रुपए का इनाम। उत्तर प्रदेश में दिखा आजादी के अमृत महोत्सव का उत्साह, सीएम योगी आदित्यनाथ ने बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। गोरखपुर के एक रेस्टोरेंट में दिखा आजादी के अमृत वर्ष का अद्भुत नजारा, तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए पकवान। यूपी के बांदा में कांवड़ यात्रा के समापन पर दिखा देशभक्ति का रंग, शिव भक्तों ने तिरंगा लहराकर लगाए देशभक्ति के नारे। राजस्थान के टोंक में जिला कांग्रेस कमेटी ने निकाली आजादी की गौरव यात्रा, शहर में कई जगह गौरव यात्रा पर हुई पुष्प वर्षा। औरैया में मुहर्रम पर्व में दिखा देशभक्ति का रंग, ताजियों पर तिरंगा लगाकर मुस्लिम समुदाय ने दिया एकता और अखंडता का संदेश। पंजाब के संगरूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाली तिरंगा यात्रा, बरनाला चौक पर मोमबत्तियां जलाकर किया शहीदों को याद। यूपी सरकार करेगी कॉमनवेल्थ पदक वीरों का सम्मान, स्वर्ण पदक विजेता को 1 करोड़ रुपए, रजत पदक विजेता को 75 लाख और कांस्य पदक जीतने वालों को 50 लाख रुपए का दिया जाएगा इनाम। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के निवास से निकाली गई तिरंगा रैली, जेपी नड्डा ने रैली को दिखाई हरी झंडी। भारत सीमा तिब्बत की सीमा पर बसे गंगी गांव में भी दिखी अमृत महोत्सव की धूम, सैकड़ों ग्रामीणों ने लहराया तिरंगा। उत्तराखंड में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर हो रहे कई कार्यक्रम, देहरादून में हुए कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। हर घर तिरंगा अभियान के लिए लखनऊ में बनाई गई खास मिठाई, तिरंगे के रंग में बनाए लड्डू बर्फी और खेवर। राजस्थान के जोधपुर में रोबोटिक रेस्टोरेंट की शुरुआत, मेड इन इंडिया की तर्ज पर तैयार किया गया रोबोट। कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतकर रेसलर पूजा नांदल रोहतक पहुंची, लोगों ने किया जोरदार स्वागत।
बिहार से आई मुहर्रम की तस्वीर, सहरसा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया मुहर्रम। जैसलमेर में 867वें स्थापना दिवस पर लोगों में उत्साह की लहर, का एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भोपाल में दिखी तिरंगे की शान, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वोट क्लब जाकर फहराया तिरंगा। महाराष्ट्र के ठाणे में बारिश के बाद जलजमाव से मुसीबत, भिवंडी इलाके में सड़कों पर कई फीट तक जमा हुआ पानी। मुंबई में कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कों पर भरा दिखा पानी, अंधेरी सबवे डूबने से मुंबई वाले रहे परेशान। मुंबई में हाई टाइड का खतरा भी बरकरार, मरीन ड्राइव पर ऊंची ऊंची लहरों ने लोगों को डराया। टिहरी में भारी बारिश के चलते चंबा घनसाली मोटरमार्ग टिहरी झील के पास बंद। बारिश के बाद लैंडस्लाइड, सड़क पर गिरे बोल्डर और मलबा, जाम लगने के बाद रूट किया गया डायवर्ट। महाराष्ट्र के अमरावती में जानलेवा बनी बाढ़, बारिश के बाद बिम्बड़ा नदी पर पुलिया पार कर रहा ट्रैक्टर तिनके की तरह बहा, देखते ही देखते पानी में समा गया ट्रैक्टर सवार, 5 लोग बहे, 2 लोगों ने तैरकर बचाई जान। अमरावती में मालू नदी का दिखा रौद्र रूप, कुछ ही सेकंड में किनारे खड़ी कार पानी में समाई। अमरावती की मुर्शी तहसील का है कार बहने का ये वीडियो, भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आए थे भक्त। सरकार प्रशासन लगातार लोगों से कर रहे हैं उफनती नदियों से दूर रहने की गुजारिश, फिर भी लोग खतरे में डाल रहे हैं जान। एमपी के खरगोन में बारिश का कहर, मूसलाधार बारिश के बाद कुंदा नदी में उफान, कुंदा नदी पर पुल के ऊपर बह रहा है पानी, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। खरगोन में सुकड़ी नदी में अचानक आई बाढ़ में बही 13 कार, इंदौर से आई सैलानियों की थी कारें, ट्रैक्टर से जंजीरों के जरिए कारों का हुआ रेस्क्यू, लोगों ने ली राहत की सांस। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बारिश के बाद बाढ़ से लोग बेहाल, सड़कों को भी पहुंचा नुकसान। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अपर वर्धा, लोअर वर्धा और इराई डैम के दरवाजे खोलने से नदी नालों में उफान, निचले इलाकों में बढ़ा डूबने का खतरा। चंद्रपुर में लगातार बारिश के बाद तेलंगाना से भी संपर्क टूटा, वर्धा नदी में आई बाढ़ की वजह से स्टेट हाईवे हुआ बंद। चंद्रपुर में लगातार बारिश के बाद बढ़ी लोगों की मुश्किल, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में बारिश के चलते हाहाकार, मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर आया सैलाब, बारिश के चलते गांव में लगे बिजली के खंभे गिरने से बिजली हुई गुल, बरसते पानी के बीच खंभे पर चढ़े लाइनमैन ने जोड़े तार।